नमस्कार दोस्तों, बिगनर्स ट्रेडिंग क्लब में आपका स्वागत है। चलिए आज की एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। आज वैसे मार्केट थोड़ा सा फ्लैट ही रह गया, आप देख सकते हैं। माइनस ये शायद 30-40 रुपये ऊपर खुला था, -20, मतलब 20-50 रुपये की रेंज के अंदर अंदर ही रह गया। तो आप देख भी सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में 2G टाइप है, ऑलमोस्ट वहीं के वहीं 2 दिन से प्राइस इसी जोन में घूम रहा है, लेकिन अपने आप को नैरो करता जा रहा है। तो ये बियरिश साइन होता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप देख सकते हैं कि जैसे ये 11 नवंबर का चार्ट है। मैं एक बार ज़रा एपिक पेन चालू कर लूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 11 नवंबर का चार्ट है। ये यहाँ से ये वाला जगह जगह जो है, ये 11 नवंबर का चार्ट है। यहाँ से गैप अप खुला, यहाँ से यहाँ का गैप अप खुला, रिकवरी आई। जो ये वाला लेवल था, जो ये वाला लेवल था, जो प्रीवियस डे का यानी 9 तारीख का जो हाई था, जो उसको क्रॉस करके खुला है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी गैप अप गैप डाउन होते हैं, तो जो भी नेक्स्ट डे के या प्रीवियस डे के हाई या लोज आते हैं, वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह काम करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट का काम किया और यहाँ से प्राइस को वापस फेंका। अब ये एक तरीके का एक और ऑल टाइम हाई बनाया और फिर यहाँ से नीचे आया। अब एक आप ये देख सकते हैं, अब ये हायर लोज बना रहा है। ये देखिए, ये देखिए, अब ये यहाँ पे कंसोलिडेशन आया, लेकिन यहाँ से रिकवरी क्यों आई? ये रिकवरी इसलिए आई, मैंने वो कल भी कहा था कि अगर मार्केट यहाँ कहीं आता है तो रिकवरी आ सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ से कोशिश करिए एक बार रिकवरी आने की। आप ये देख सकते हैं तो बड़ी बड़ी सी हैमर कैंडल्स, आप ये देखिए, आप ये देखिए, ये दो बड़ी बड़ी हैमर कैंडल्स देख रहे हैं, जैसे नीचे से करंट लग गया हो प्राइस को। लेकिन मार्केट में बियर्स हावी थे, उन्होंने तुरंत करेक्शन करवाया। इतनी देर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, फिर ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट क्यों दिया जबकि मार्केट नेगेटिव था, ऑप्शन चेन नेगेटिव थी, ब्रेकआउट क्यों? ब्रेकआउट आया 3 कारण की वजह से। ब्रेकआउट आया 3 कारण की वजह से। एक, 42,000 का राउंड लेवल, 42,000 का राउंड लेवल एक कारण है। दूसरा कारण है 50 मूविंग एवरेज, 50 EMA। अब तीसरा कारण है प्रीवियस डे का हाई लो का रिजेक्शन। तो ये वाला जो जगह थी, ये इसी पॉइंट से रिजेक्ट हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बढ़िया कैंडल बनाई, ये रिजेक्ट हुआ, अब ये वापस आया नीचे। बियर्स हावी हैं, कुल मिला के बियर्स हावी हैं। और मेरा कल का प्रोडक्शन थोड़ा सा डाउन की तरफ है। अब आप मानिए, कल अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, जैसे आज हुई, आज की तरह अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, मान लीजिए यहाँ कहीं इस रेंज में खुल ओपनिंग होती है और तुरंत ही नीचे आता है और 50 मूविंग एवरेज को तोड़ देता है, 50 मूविंग एवरेज को, 42,200 को, और तीसरा पॉइंट है ये क्या है, 41, मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, ये लेवल है 41,950 का लेवल। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और तुरंत, एक तो 50 मूविंग एवरेज को और एक ये 50, ये 950 को अगर तोड़ देता, अगर एक ही कैंडल दोनों को तोड़ती है, एक ही कैंडल दोनों को तोड़ती है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा अगर गैप डाउन होता रहता है, तो आप प्लीज़ वेट कीजिए। वेट किस चीज़ का करना है? रीटेस्ट होने का। इस लेवल का रीट, मान लीजिए यहाँ पे आया, इसको रीटेस्ट होने का वेट कीजिए और आप 200 मूविंग एवरेज तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट तो आप लेकर चलेंगे ये, तो ये वैसे भी 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा, तो आप 200 मूविंग एवरेज जो कल यहाँ पे 41,700 के आसपास होनी चाहिए, आप यहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। 41,950 को जैसे ही तोड़ा, 41,700 का एक वन साइड मूव आप प्लान कर सकते हैं। और जैसे ही ये यहाँ पर आएगा, तो एक बुलिश कैंडल बनने दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता 200 मूविंग एवरेज टूटेगी। आप देख सकते हैं ये कितनी बढ़िया रिकवरी आई थी यहाँ पे। यहाँ से मार्केट कंसोलिडेशन करके नीचे गिरा था, गैप डाउन खुला था, नीचे गिरा, लेकिन 200 मूविंग एवरेज से रिकवरी आ गई। और रिकवरी कैसी आई, आप देख सकते हैं, ये गैप देख रहे हैं आप, ये गैप देख रहे हैं, और भी फैक्टर्स थे लेकिन आप ये गैप देख सकते हैं। तो आप
फ्लैट ओपनिंग हो या यहाँ कहीं छोटा मोटा गैप डाउन ओपनिंग हो, 41,950 का लेवल टूटने चाहिए, थोड़ा सा रिटेस्ट होने दीजिए और आप 200 मूविंग एवरेज तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। मान लीजिए बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है यहाँ कहीं तक, तो मार्केट को 200 मूविंग एवरेज तक आने दीजिए, 200 मूविंग एवरेज तक आने दीजिए। एक कोई भी ग्रीन ब्लिश कैंडल बनाने दीजिए हैमर टाइप, जैसे ही इसका हाई ब्रेक हो आप एंट्री लीजिए। पहला टारगेट आपका रहेगा ये 41,950, दूसरा टारगेट रहेगा ये 42,200 और तीसरा टारगेट रहेगा ये 42,350। अगर कल बहुत ही अच्छा मोमेंटम आ गया मार्केट में तो ये तीनों लेवल्स अक्वायर हो सकते हैं, नहीं तो हो सकता है परसों तक हो, लेकिन मार्केट उसके लिए पहले 200 मूविंग एवरेज तक नीचे आनी चाहिए। अब मान लीजिए कि गैप अप ओपनिंग हो जाती है, मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होती है और यहाँ कहीं इस कहीं रेंज में ओपनिंग होती है, तो आप दोबारा यहाँ तक का 50 मूविंग एवरेज तक का छोटा, अगर स्कैल्पिंग टारगेट लेना है तो आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। फिर से रिकवरी आ सकती है, जैसे यहाँ से रिकवरी आई है और पहला टारगेट ये, और जब ये वाला टारगेट अगर टूट जाए, अगर यहाँ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ रहा है, चाहे कैसा भी मोमेंटम आ रहा है, आप प्लीज़ रीटेस्ट होने का वेट कीजिए, क्योंकि अभी ये क्या बन गया है, एक ऑल टाइम हाई बन गया है और टेस्ट नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात है यहाँ से आप देख सकते हैं ना गिरावट आई, तो ये टेस्ट नहीं हुआ है, तो मार्केट जैसे यहाँ पर आएगा तो एक बार तो नीचे फेंकेगा इसको, एक बार तो नीचे फेंकेगा। और अगर बहुत ही बड़ी कोई माराबुजू कैंडल ने इसको तोड़ दिया, तो आप इसकी हाई का ब्रेक होने का वेट कीजिए, हाई ब्रेक होते ही इसमें एंट्री लीजिए। और ऐसे ऐसे छोटी छोटी कैंडलों से अगर ब्रेक होता है तो रीटेस्ट होने का वेट कीजिए, और फिर आप ऊपर जैसे ही 42,350 या मोटा मोटा मान के चलिए 42,400 का अगर ये क्रॉस कर लेता है, 42,400, 42,420, तो आप एक अच्छे 200-300 पॉइंट का मूव ऊपर की तरफ कैप्चर कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फ्लैट ओपनिंग होती है, 50 मूविंग एवरेज टूटती है, थोड़ा सा रिटेस्ट होता है, आप 200 मूविंग एवरेज तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। यही चीज़ सेम अगर क्या कहते हैं, थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग होती है तो 15 मिनट की स्ट्रेटेजी लगाएंगे, जिस तरफ भी ब्रेक करे, ऊपर की साइड ब्रेक करे तो हम यहाँ तक का टारगेट, यहाँ तक का और यहाँ तक का टारगेट लेंगे, नीचे की साइड ब्रेक करे तो 200 मूविंग एवरेज तक का टारगेट हम लेंगे। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होते हैं यहाँ कहीं, तो यहाँ से रिकवरी प्लान करेंगे। ऐसे ही अगर थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ से रिकवरी आ सकती है वापस इसी लेवल तक, और हो सकता है जब अगर यहाँ से रिकवरी आए और अब जब यहाँ यहाँ से मूवमेंट लेगा तो ये लेवल अब काम नहीं करेगा, ये यहाँ से यहाँ पे आएगा, ये लेवल हो सकता है काम कर जाए। अगर इस लेवल ने काम नहीं किया तो ऊपर 200-300 पॉइंट का मूव आराम से कैप्चर कर सकते हैं। तो अगर आप इस रिकवरी पर एंट्री लेते हैं तो कम कम क्वांटिटी में लीजिएगा, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कुछ ज़्यादा नहीं, 100-125 पॉइंट का फ़र्क है इस गैप, ये 100-125 पॉइंट का गैप है, और वैसे भी कल मूविंग एवरेज थोड़ी सी ऊपर ही आ जाएगी, तो 100 पॉइंट के आसपास का ही गैप रहेगा, तो आपको वैसे भी क्या कहते हैं स्ट्राइक प्राइस पे 50 पॉइंट के आसपास प्रीमियम, 50 पॉइंट के आसपास ही मिलेंगे, 40-50 पॉइंट। वेडनेस ट्यूजडे है, थोड़ा सा टाइम डिके भी लगना शुरू हो जाएगा, तो आप अगर इस जोन में ट्रेड ना करें तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेड करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, और यहाँ पे आप दोबारा में जो लेंगे यहाँ से आप हाफ क्वांटिटी में एंट्री कीजिए, यहाँ पे आप एंट्री, यहाँ पे अपनी क्वांटिटी बढ़ाइए और यहाँ पे अपनी क्वांटिटी बढ़ाइए। मैं तो कहूँगा कि यहाँ पे पहले एग्जिट हो जाइए, इस लेवल पे एग्जिट हो जाइए, पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और इस लेवल को अगर क्रॉस करके रीटेस्ट करता है तो आप दोबारा एंट्री लीजिए, दोबारा एंट्री लीजिए। चलिए आइए निफ्टी की ओर चलते हैं। निफ्टी आप देख सकते हैं, निफ्टी में बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपनिंग हुई, कहाँ पे ओपनिंग हुई एक बार चेक कर लेते हैं जी, ये वाली ये ग्रीन कैंडल की ओपनिंग है, ये ओपनिंग हुई और मार्केट ने तुरंत अपने आप को करेक्ट किया, साइडवेज गया, थोड़ा नीचे गया, हल्की से रिकवरी आई, क्योंकि ये एक लेवल 18,320 के आसपास का लेवल, जो 18,300 के आसपास का लेवल था, यहाँ से कल भी रिकवरी आई थी, आज भी रिकवरी आई, और उसके बाद फिर लास्ट का 1, 2, 3, 4, 5, लास्ट के 1 घंटा 15 मिनट मार्केट ने नीचे की साइड मोमेंटम दिया। अब अगर कल फ्लैट ओपनिंग होती है, ये 200, ये 20 मूविंग एवरेज, 20 बोल रहा हूँ मैं सॉरी, 50 मूविंग एवरेज यहाँ कहीं होगी 18,320 के आसपास, जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो आप इस लेवल को टूटने दीजिए। अगर डायरेक्ट टूटता है तो रीटेस्ट होने का वेट कीजिए, रीटेस्ट होने का वेट कीजिए,
और फिर आप 200 मूविंग एवरेज तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं, जो कल कहीं 18,175 या 200 की रेंज के बीच में होगी। यहाँ तक आप मोमेंटम प्लान कर सकते हैं, मगर जैसे ही अगर यहाँ तक आता है तो आप तुरंत एग्जिट कीजिए, एक बुलिश कैंडल का इंतजार कीजिए और दोबारा रिकवरी को आप प्लान कर सकते हैं। ओवरऑल मार्केट बुलिश है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, फिर भी आप रिकवरी का प्लान कर सकते हैं। अगर कल मार्केट नीचे भी खुलता है, यहाँ तक आता भी है, तो इस पॉइंट पर आप रिकवरी प्लान कीजिए, यहीं तक की रिकवरी हो सकता है, कल ना आए परसों में आ जाए, लेकिन रिकवरी हो जाएगी। डाउ जोन्स भी खुल चुका है, आ जाइए देख लेते हैं डाउ जोन्स में क्या हो रहा है। थोड़ा सा गैप डाउन खुला है, लेकिन रिकवरी देने की कोशिश कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं, आप देख सकते हैं इसके पास बहुत मोमेंटम बाकी है। अगर इसने ये 34,107 34,200-300 का लेवल अगर तोड़ दिया, तो अगला टारगेट आप इसका 35,500 तक का लेकर चल सकते हैं। तो इसमें बहुत रिकवरी की जगह है। आपने उस दिन देखा था जिस दिन डाउ जोन्स 1,200 पॉइंट ऊपर भाग गया था, तो पूरा मार्केट ही हमारा बुलिश हो गया था पूरा, और उस दिन एक भी स्टॉक नीचे नहीं आया। सेकंड हाफ में जाके स्टॉक्स ने नीचे आना शुरू किया। निफ्टी 50 के सिर्फ 3 स्टॉक माइनस में थे, बाकी सब पॉजिटिव, सब में गैप अप ओपनिंग। भले वो सस्टेन नहीं करे, लेकिन गैप अप ओपनिंग हुई थी। आइए निफ्टी में वापस चलते हैं। निफ्टी में आप डेली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, एक हाई तोड़ा है और एक इवनिंग स्टार टाइप पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, अगर कल इसका लो ब्रेक होता है, तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, हम प्लान कर सकते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। एक तरीके से मार्केट साइडवेज ही रहा है, ये पूरा मार्केट साइडवेज एक जोन में ही रहा है, जिस भी तरफ क्रॉस करेगा। अब आप ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, नीचे क्रॉस करेगा तो आप बहुत बढ़िया टारगेट यहाँ तक का लेकर चल सकते हैं। ऊपर का टारगेट थोड़ा सा कम मिल सकता है। अगर मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होती है, तो पहला टारगेट तो आप ये लेके चलिए, छोटे छोटे टारगेट मिलेंगे, दूसरा टारगेट आप ये लेके चलिए, और उसके बाद अगर इन दोनों को क्रॉस करके रीटेस्ट करता है, तो ऊपर आप 100-150 पॉइंट की मूवमेंट आराम से आप प्लान कर सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, मान लीजिए यहाँ कहीं होती है और ऊपर की तरफ चलता है, तो आप इस लेवल को या फिर इस लेवल को मार्क कर लीजिए, यहाँ तक मार्केट आके वापस रिकवरी ले सकता है और 200 मूविंग एवरेज तक का टारगेट हमें दे सकता है। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, इसमें गैप बहुत ज़्यादा है, तो पहले तो आप एक स्कैल्प ट्रेड यहाँ तक का 200 मूविंग एवरेज तक का ले सकते हैं, फिर यहाँ से हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं आगे के दिनों के लिए। तो चलिए अब कल के रिजल्ट्स देख लेते हैं। कल मैंने जो जो स्टॉक्स दिए थे, कल मैंने दिए थे टाटा स्टील दिया था, तो आप देख सकते हैं कि कल मैंने टाटा स्टील को थोड़ा सा बुलिश बताया था। आप देख सकते हैं कल मैंने बताया था आपको, नीचे से क्रॉसओवर हो चुका है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस क्लोज हो चुका है और ऊपर मोमेंटम दे सकता है। तो आप ये देख सकते हैं, अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ हमें मिला, मार्केट ने यहाँ ओपनिंग करी और हमें 1.5% के आसपास का टारगेट अचीव करवाया। 1.5% के आसपास का हमें टारगेट अचीव हुआ, जो कि मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी लगा कर दिखा देता हूँ। थोड़ी सी देर में ही हो गया था ये अचीव, पहली ही कैंडल में हो गया। एक्चुअली सही बताया तो पहली ही कैंडल में हमारा फुल टारगेट अचीव हो गया था। दूसरा था TCS, TCS में भी शायद सेम ही कंडीशन थी। हाँ जी, TCS में भी सेम ही कंडीशन थी, क्रॉसओवर हुआ था 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, प्राइस ने क्लोजिंग दे दी थी और मैंने कहा था कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे ही इसको क्रॉस करेगा तो हम इस जोन तक का हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। लेकिन लेकिन अब मैं आपको इसमें कंडीशन बताता हूँ, कल के लिए इसमें कोई ट्रेड मत कीजिएगा, ये एक सप्लाई जोन है, ये एक सप्लाई जोन है। पिछली बार मार्केट यहीं से बहुत भयंकर गिरा था, तो इसको एक नो ट्रेडिंग जोन मानिए, नो ट्रेडिंग, इसको एक नो ट्रेडिंग जोन मानकर चलिए। कल मार्केट अगर यहाँ आता भी है, तो इस लेवल को क्रॉस होने दीजिए, एक पूरी कैंडल को, एक दिन की कैंडल को इस लेवल के ऊपर, जो कि
3450 रुपये के ऊपर क्लोज होने दीजिए एक दिन की कैंडल को। फिर आप यहाँ पे 3600, 3650 यहाँ से ऊपर कोई रेजिस्टेंस मुझे दिख नहीं रहा है, एक बार यहाँ से गिरा था ये मान लीजिए, 3600 का आप पहला टारगेट लेकर चल सकते हैं, 3600 का आप पहला टारगेट लेकर चल सकते हैं, उसके बाद 3700 और उसके बाद 3800। ये तीन लेवल आप स्विंग ट्रेड में लेकर चल सकते हैं। शर्त यही है कि इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर 450 के ऊपर एक दिन की कैंडल, वन डे की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्लोज होनी चाहिए। इसमें भी हमारा ठीक ठाक टारगेट हमारे को मिल गया था। मैं एक बार ज़रा देख लेता हूँ कितना टारगेट हमें मिला। ये ओपनिंग प्राइस थी और यहाँ से यहाँ तक हमें 0.74 के आसपास का टारगेट हमें मिला, तो अच्छा है, इंट्राडे के लिए अच्छा टारगेट है ये। तीसरा स्टॉक था यूपीएल, इसने तो कमाल ही करा है, इसने तो कमाल ही किया। ये भी अपने सप्लाई जोन के आसपास है और सप्लाई जोन टच करके आया है ये, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसमें भी क्रॉसओवर हो रहा था, क्रॉसओवर मैंने बोला था, और इसको मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ, मैंने ये यहाँ पर बता दिया था कि इसका टारगेट हम ये लेकर 790 रुपये का हम टारगेट लेकर चल सकते हैं, और आज ये कहाँ तक जाकर आया है, आज ये 785 रुपये तक जाकर आया है। मैं आपको दिखा देता हूँ 785 कहाँ दिख रहा है, आप ये देखिए, ये यहाँ देखिएगा, ये एक दिन की कैंडल है, 785 रुपये का हाई है, तो ये 785 रुपये तक जाके आया है। अब ये क्या है, ये एक सप्लाई एरिया है, ये सप्लाई जोन है एक, और टेस्टेड, ये आज टेस्ट हुआ है, थोड़ा सा नीचे आया है। अब मैं सही बताऊं तो मैंने इसमें नीचे की तरफ एंट्री बनाई है, अगर कल कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है इस डे के नीचे, तो आप 200 मूविंग एवरेज तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। और अगर ऊपर इस लेवल के ऊपर, थोड़ा सा लेट है ये, हाँ ये 805-10 रुपये के आसपास ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज हो जाती है, तो आप टारगेट लेके चल सकते हैं 830, और फिर टारगेट लेके चल सकते हैं 840। ये तो हुए कल के स्टॉक्स। रिलायंस ने भी मूवमेंट करी थी ऊपर, लेकिन बाद में नीचे आ गया, ऐसा नहीं है, रिलायंस ने भी ऊपर की तरफ मूवमेंट करी थी, पहले ये यहाँ तक गया लेकिन फिर नीचे आ गया। रिलायंस अभी कंफ्यूजन में है थोड़ा सा, और फिर मैंने एक दिया था मैंने एनटीपीसी, तो ये एनटीपीसी भी आज थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहा, एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई, आप देख सकते हैं उसी रेंज में है, तो इनमें एंट्रियाँ एक्टिवेट नहीं हुई। तो अब आज के स्टॉक्स में आ जाते हैं, आज के स्टॉक्स हैं टाटा मोटर्स, आप देख सकते हैं क्रॉसओवर हुआ है, होने वाला है, क्रॉसओवर होने वाला है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अब अगर कल इस लेवल के ऊपर जो कि है 440 रुपये के ऊपर कल क्लोजिंग अगर आ जाती है, तो हम पहला टारगेट 460, दूसरा टारगेट 470-75 और तीसरा टारगेट 490 हम प्लान कर सकते हैं। नेगेटिव नहीं हूँ मैं इस स्टॉक में, इस स्टॉक में मैं नेगेटिव नहीं हूँ। ऑटो सेक्टर भी ऊपर की तरफ है, बस ये 440-42 रुपये का लेवल एक बार टूट जाए, क्लोजिंग आने दीजिएगा, उसके बाद इसमें एंट्री लीजिएगा। मान लीजिए कल 3:15-3:30 के आसपास अगर क्लोजिंग यहाँ कहीं आपको दिख रहा है कि आ रही है, तो आप इसमें एंट्री ले लीजिए, श्योर शॉट आपको इसमें बहुत अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। मैंने खुद ने इसमें एंट्री बनाई हुई है। कोल इंडिया, कोल इंडिया अपने सप्लाई जोन से नीचे गिर रहा है, और आज आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया इसने टारगेट दिया है। मैंने इसको परसों बताया था, मैंने इसको परसों इस दिन बताया था, इसने कल तो इसी एरिया में कंसोलिडेशन किया, लेकिन आज आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से ही नीचे गिरा है, और एक और एक दो दो दिन के, 2 दिन की रेंज को इसने तोड़ता हुआ आया है। तो अगर कल ये इसके नीचे आता है, तो पहला टारगेट हम ये 200, ये कल 240 के आसपास आ जाएगी 50 मूविंग एवरेज, यहाँ तक का प्लान कर सकता हूँ। और अगर इसको भी तोड़ देता है कोई डे की कैंडल, कोई डे की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है, तो हम 200 मूविंग एवरेज जो कि एक दो दिनों में 220 के आसपास हो गया, 220 तक का टारगेट इसमें प्लान कर सकते हैं। फिर और है आईटीसी, आईटीसी को देख लेते हैं। आईटीसी पे मैंने परसों बताया था, परसों या फिर उससे पहले वाले दिन, तो मैंने एक्चुअल में यहाँ पर बताया था, मैंने इस एरिया में बताया था कि अब ये नीचे जा सकता है, लेकिन एक दिन वो मैंने कहा ना आपको डाउ जोन्स एक दिन भागा,
तो उस दिन ये थोड़ी सी मोमेंटम अपसाइड दे गया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने ये थोड़ा एसएल हिट हुआ इसमें, एसएल हमने एक्सेप्ट किया, एसएल एक्सेप्ट करना चाहिए। हमने दोबारा जैसे ये लेवल टूटा, हमने इसमें एंट्री बनाई और इसमें आज हमने अच्छा प्रॉफिट कमाया। मैंने इसमें कोई एक ही लॉट के अंदर 4100-4200 रुपये के आसपास का प्रॉफिट इसमें मैंने कमाया। और आप देख सकते हैं इसने एक रेजिस्टेंस लेवल, अब आप ये देखिए कि एक कैंडल कितने दिनों की कितने दिनों को क्रॉस करती भी आई है। सोचिए कितना बेयरिश हो गया एकदम से। ये देखिए इसके तो नीचे गया ही गया, इसने इसका भी लो तोड़ा, इसका भी लो तोड़ा, इसका भी तोड़ा, इसका भी तोड़ा, इसका भी तोड़ा, और इसको, मतलब इन सारी कैंडलों को, इन सारी कैंडल्स को ये एक कैंडल खा गई। कितने दिन? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 दिन की कैंडल को एक ही दिन ने कवर कर लिया, खा लिया। तो एक बहुत ही ज़्यादा बेयरिश साइन होता है ये। कल जैसे ही इससे नीचे जाएगा तो हम पहला टारगेट 50 मूविंग एवरेज का प्लान कर सकते हैं, और उसके बाद अगर और नीचे जाता है कल, अगर यहाँ इस कल या परसों में अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है, जो कि कल 50 मूविंग एवरेज यहाँ कहीं होगी, इसके नीचे कल या परसों में क्लोजिंग आ जाती है, तो आप 200 मूविंग एवरेज यानी 300-310 तक के टारगेट आप प्लान कर सकते हैं। ऑल टाइम हाई से गिर रहा है, ऑल टाइम हाई के पास से गिर रहा है स्टॉक, तो इसमें अच्छा मोमेंटम आ सकता है। और कौन सा स्टॉक है? SBI, SBI है कल के लिए। बैंकिंग स्टॉक है, मेरे हिसाब से कल थोड़ा सा नेगेटिव होना चाहिए मार्केट। आप देख सकते हैं SBI भी एक हाई, अपना ऑल टाइम हाई से गिर रहा है। SBI अपना ऑल टाइम हाई से गिरना स्टार्ट किया है, और इसने पिछले दिन का आप देख सकते हैं, एक ये कैंडल ने दो कैंडलों को खाया था, इस कैंडल ने इन 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 दोनों को एक तरीके से इनगल्प कर दिया, दोनों तीनों को, और इस कैंडल ने इसका लो तोड़ दिया है, और इसका जो ओपनिंग प्राइस था वो भी तोड़ दिया है। अब अगर कल कैंडल इसके नीचे जाती है, इस लेवल के नीचे, तो पहला टारगेट तो आप ये प्लान कर सकते हैं, दूसरा टारगेट आप ये प्लान कर सकते हैं। दूसरा टारगेट के आसपास ही मेरे हिसाब से 50 मूविंग एवरेज आ जाएगी, तो यहीं तक का टारगेट प्लान कीजिएगा। फिर अगर एक दिन की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है, तो आप 200 मूविंग एवरेज, जो शायद 530-40 की रेंज में आ जाएगी, इस रेंज का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं स्विंग ट्रेड। अब एक देख लेते हैं ICICI। ICICI अपने एक लेवल से ऑल टाइम हाई है क्या इसका भी? जी हाँ, इसका भी ऑल टाइम हाई है। ये अपने एक जोन से, आप देख सकते हैं ये एक जोन था जहाँ से एक बार गिरा था, ये दोबारा उसी रेंज से गिरना स्टार्ट किया। इसने यहाँ पर रेंज बनाई, एक यहाँ पे पूरे इतने दिनों में एक रेंज बनाई, अब इसको इसने तोड़ा है। अब अगर ये कल 50 मूविंग एवरेज को तोड़ के क्लोजिंग दे देता है, तो हम 200 मूविंग एवरेज, जो कि 825 के आसपास आ जाएगी, यहाँ तक के हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो प्लीज़ बताइएगा, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब तो आप काफ़ी दिन से मेरे को फॉलो कर रहे होंगे, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी रोज़ एनालिसिस वीडियोस वगैरह देख सकें और कुछ लाभ उठा सकें। तो वैसे तो मैंने अभी तक मैंने जितने दिन भी इंट्राडे स्टॉक्स, इंट्राडे स्टॉक और ये स्विंग स्टॉक्स दिए हैं, उस सब में अगर मैं 4-5 स्टॉक देता हूँ, तो तीन चार में टारगेट अचीव होते ही हैं। ये रोज़ का है, आप पिछली वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं, मैं अपडेट भी डालता रहता हूँ यूट्यूब पे। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों तक भी हमारे हमारे चैनल को पहुँचाइए, ताकि हम थोड़ा सा ग्रो कर सकें, आप लोगों की मदद से हम थोड़ा सा ग्रो कर सकें। थैंक यू, गुड नाइट।